हेलो दोस्तों, आप सभी का अरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज बड़ा ही एंजॉय है, जो चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है उसका स्टूडेंटों से बहुत, जो मैसेज आज मैं देने जा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों स्टूडेंटों की अब जो पढ़ाई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिलैक्सेबल होने वाली है। तो आज मैं जो न्यूज़ बताने वाला हूँ, जो NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उन्होंने क्या बोला है, जो इनके अध्यक्ष हैं उन्होंने एक मसौदा बनाया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, उस ड्राफ्ट के बेसिस पे उन्होंने क्या न्यूज़ दी है, तो उससे बच्चे खुशी से झूम उठेंगे। तो वो है क्या एक्चुअल में देखेंगे, आप देखेंगे स्क्रीन पर, खबर पढ़ते ही एकदम मन आनंदित हो जाएगा आप लोगों का। ये जो है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इस सेशन से नहीं होगा, लेकिन ये नेक्स्ट सेशन से विचार चल रहा है, इसमें नेक्स्ट सेशन से ये सुझाव लाने का सुझाव आ चुका है और नेक्स्ट सेशन से ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी तक हमारे जो इंजीनियर होते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता था, वैसे ही पढ़ाई में भी थोड़ा सा चेंज किया। पढ़ाई में एक बच्चे जो है थोड़ा सा बोरिंग फील ना करें, इसी वजह से उन्होंने इंटरेस्टिंग एक नया इनोवेटिव टाइप में जो है एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। वो क्या है, उस फ्रेमवर्क के बारे में समझ लेते हैं। देखेंगे दोस्तों, स्कूलों में हर शनिवार को हाफ डे होगा। सबसे संडे तो ऑफ है ही है, अब शनिवार को भी उन्होंने हाफ डे रख दिया, मतलब आपको पूरे दिन नहीं रहना, शनिवार हाफ डे ख़त्म, एंजॉय। बोर्ड परीक्षा जो होगी आपकी, वो आपकी सेमेस्टर सिस्टम से कराने का सुझाव है। ख़त्म हो सकता है साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का बंटवारा। मतलब ये है कि जो बच्चे जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जिसमें जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के बेसिस पे बच्चे अपना 10th 12th जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। किसी पर भी कोई भी ये नहीं है कि साइंस में ये सब्जेक्ट चाहिए, कुछ नहीं। आप जैसा जो सब्जेक्ट लेना चाहेंगे वो सब्जेक्ट आपके हिसाब से मिलते रहेंगे। तो ये हमारा एक है, एक इमेज है इस बच्चे पढ़ते हुए स्कूल के, जिसमें एक G20 जो एक ग्लोबल हमारा है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक समिट हुई है उसका एक लोगो लगा हुआ है। तो इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्या हैं हाइलाइट्स से रिलेटेड खबर, तो आप देखेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मसूदे में हफ्ते में केवल 5.5 दिन पढ़ाई का सुझाव, अभी तक जो था वो 6 डे था, अभी तक जो पढ़ाई का सिस्टम था वो 6 डे था, लेकिन सैटरडे को भी उन्होंने क्या कर दिया, हाफ डे कर दिया, इसलिए आपकी जो पढ़ाई का समय बचा वो 5.5 दिन बचा। हर शनिवार को स्कूलों में हाफ डे करने का सुझाव है, एंड कक्षा 12 की परीक्षा के लिए सेमेस्टर सिस्टम का सुझाव है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में हुआ था वैसे ही अब उन्होंने सुझाव रखा है कि भाई ऐसा ही हम व्यवस्था करके रखें। तो बोलते क्या हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे में सुझाव दिया गया है कि छात्र हफ्ते में केवल 5.5 दिन स्कूलों में पढ़ाई करेंगे और हर शनिवार को हाफ डे होना चाहिए। इस तरह हर हफ्ते छात्रों को कुल 29 घंटे की क्लास करनी होगी। अब सिस्टम जो है थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है कि हर वीक में कम से कम कितने घंटे क्लास है, 29 घंटे की क्लास करनी होगी। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्लास का समय 40 मिनट का रखा जाए, जो समय हम नॉर्मली 1 घंटे का रखते थे उसे ख़त्म करके 40 मिनट का, एंड जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो है 50 मिनट का समय रखा गया है। 2005 में जारी पिछले NCF ने स्कूलों को स्कूल के दिनों और शैक्षणिक वर्ष का टाइम टेबल बनाने में काफ़ी छूट दी थी। उसने केवल इस बात पर जोर दिया था कि स्कूल का दिन कम से कम 6 घंटे का हो और हर क्लास का समय कम से कम 45 मिनट का हो। वो सिस्टम जो है अब नए फ्रेमवर्क के हिसाब से बदल दिया गया है। इसके विपरीत NCF का नया मसौदा स्कूल के दिनों और शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विशेष रूपरेखा मुहैया कराता है। ये दस्तावेज अब जनता की टिप्पणियों के लिए खोल दिया गया है। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो वो इसके NCF के जो वेबसाइट है उस पर जाके कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, उसी फ्रेमवर्क पे उस पर अमल किया जाएगा। अगर अच्छा सुझाव होगा तो उसको NCF में क्या है इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसमें सुझाव दिया गया है कि शैक्षिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कम से कम
180 दिन स्कूल और 34 हफ्ते शामिल हों। कम से कम 180 दिन बच्चा स्कूल जाना चाहिए। अगर आप बात करें तो हमारा टोटल दिन एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन का आधा मतलब 50%, ऐसा तो कहीं भी ऑफर नहीं मिलता। NNCF ने बच्चों के लिए पढ़ाई में इतना एक इंटरेस्टिंग लाने के लिए 180 दिन बस आप स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। नया NCF दस्तावेज 2005 की तुलना में अपने सुझाव में अधिक साफ है। ये भी कहा जाता है कि पुराने NCF की आलोचना में से एक वजह यह भी है कि यह बहुत बड़ा था। सामान्य तौर पर इसके कारण राज्य और शिक्षकों के लिए इसे अपनाना कठिन बन गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नया NCF बनाने वाले एक्सपर्ट चाहते हैं, जो NCF बनाने वाले हैं वो चाहते हैं कि नया NCF दस्तावेज शिक्षकों के लिए सीधे निर्देश के रूप में काम करे, जिससे वे बोर्ड के सिद्धांतों की व्याख्या करने की कोशिश करने के बजाय दस्तावेज के सीधे उदाहरणों और उपायों को अपना सकें। मतलब NCF जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो सिंपली बच्चों को टेक्निकल बनाना चाहता है। बच्चों को ये नहीं कि एक जैसे बच्चे आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे क्लास में, जो बच्चे होते हैं कुछ बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं रट्टू तोता, तो ऐसे बच्चों से बचने के लिए सरकार ने उनको एक सुझाव दिया कि आप पढ़ाई में एक्सपर्ट बने, पढ़ाई को आप समझें, पढ़ाई में जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। और इसके बदले सरकार ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखने का प्लान किया है। अब आपके जो 20 क्वेश्चन आते थे अब 20 के बजाय ज़्यादा कर देंगे। सरकार ने 50-50% का मौका देने जा रही है कि भाई जो भी बच्चे हैं 50% MCQ। अब MCQ में क्या है कि जिस बच्चे का लॉजिक क्लियर होगा तभी वो ऑब्जेक्टिव पे टिक कर पाएगा। अभी तक क्या था कि हम जो क्वेश्चन लिख देते थे तो जो एग्जामिनर है वो कुछ ना कुछ नंबर दे दिया करता था, लेकिन आप जब ऑब्जेक्टिव दोगे तो डायरेक्ट हाँ या ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सही है तो नंबर मिलेगा, अगर रॉन्ग है तो नंबर कट जाएगा। इसमें टीचर को भी आसानी हो जाती है कि टीचर जो है उसमें अब नंबर देने की कंडीशन में नहीं रहेगा। अगर बच्चे ने सही किया है तो उसको नंबर एक ऑब्जेक्टिव टाइम में ABCD चलता है तो उसी के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। तो NCF एक ऐसा दस्तावेज है जो उन बदलावों को आधार बनाता है जिन्हें स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में लाया जाएगा। यह शिक्षा के पैटर्न और कक्षा में मूल्यांकन को भी प्रभावित करेगा। NCF के मसौदे में सुझाव दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा में 2 बार, अब हमारी जो परीक्षाएं होंगी वो साल में 2 बार की जाएंगी, सेमेस्टर Part 1 Part 2। कक्षा 12 की परीक्षा के लिए एक सेमेस्टर प्रणाली हो और छात्रों को विज्ञान और मानविकी की मिश्रण को आगे बढ़ाने की आज़ादी दी जाए, जैसे स्कूल बोर्डों में कक्षा 11 तथा 12 में कला मीन्स आर्ट साइड, कॉमर्स एंड साइंस साइड की कठोर सीमाओं को दूर किया जा सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में मजबूत नहीं होते, मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनके लिए कॉमर्स है या फिर आर्ट में चले जाते हैं। लेकिन बच्चे को जो पसंद है उस हिसाब से सब्जेक्ट लेके अपनी पढ़ाई कर सकता है। किसी पे कोई पर्टिकुलर एक तरह से बर्डन नहीं होगा कि आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप पेशेंस रखिए, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ाई होने वाली है। लेकिन दोस्तों पढ़ाई के साथ आपको एंजॉय तो करना ही करना है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अब स्कूलों में प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए उसी हिसाब से टीचरों को ट्रेंड किया जा रहा है कि भाई बच्चे जो भी आए उनको प्रैक्टिकली नॉलेज सिखाई जाए। तो दोस्तों ये सिस्टम जो है सेमेस्टर 2 बार, पढ़ाई का सिस्टम 5.5 दिन, ये सभी जो भी व्यवस्थाएँ की गई हैं इसमें काफ़ी सीनियर फैकल्टीज होती हैं जो बच्चों के बारे में रूपरेखा तैयार करती हैं और उसी हिसाब से उन्होंने अपना फ्रेमवर्क ड्राफ्ट तैयार किया है। तो एंजॉय हैं दोस्तों आप लोगों के, साल में छुट्टियां 50% के लगभग तो छुट्टियां रहेंगी, 50% आपको स्कूल जाना है। तो जो बच्चे अपना मजबूती से पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली के साथ अपनी बेसिक नॉलेजों को मजबूत करें, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ते रहें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।